দিল্লীত আপৰ প্ৰতিবাদ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বত আপৰ প্ৰতিবাদ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ বিতৰ্কক লৈ আপৰ প্ৰতিবাদ উপৰাজ্যপালৰ হস্তক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ উপৰাজ্যপালৰ ঘৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লৈ আপে কৰিছে প্ৰতিবাদ ফিনলেণ্ডলৈ দিল্লীৰ শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঠিওৱাৰ আঁচনি লৈছিল দিল্লী চৰকাৰে আৰু শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ফিনলেণ্ডলৈ যোৱাত বাধা উপৰাজ্যপাল বিনয় কুমাৰ ছাকসেনাৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ লৈ এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপৰ কৰ্মীসকলে দিল্লীত আপৰ প্ৰতিবাদ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বত আপৰ প্ৰতিবাদ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ বিতৰ্কক লৈ আপে এনেদৰে কৰিছে প্ৰতিবাদ উপৰাজ্যপালৰ হস্তক্ষেপৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে উপৰাজ্যপালৰ ঘৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লৈ আপৰ কৰ্মীসকলে কৰিছে প্ৰতিবাদ ফিনলেণ্ডলৈ দিল্লীৰ শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঠিওৱাৰ আঁচনি লৈছিল দিল্লী চৰকাৰে আৰু শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ফিনলেণ্ডলৈ যোৱাত বাধা উপৰাজ্যপাল বিনয় কুমাৰ ছাকসেনাৰ আৰু তাৰ পিছতে এনেদৰে প্ৰতিবাদত নামি পৰে আপৰ কৰ্মীসকলে हम चाहते हैं कि हमारे गरीबों के मिडिल क्लास के बच्चों को भी विदेशों जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले अब सब बच्चे तो विदेश जा नहीं सकते तो हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए अब हम अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं वो वहाँ पे दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग लेके आएंगे हम उन्हें फिनलैंड भेज रहे हैं फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहाँ सबसे दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड में दी जाती है तो हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे हैं वहाँ से वो ट्रेनिंग लेके आए और हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को शिक्षा दें अभी तक 1000 से ज़्यादा टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की हम विदेशों में ट्रेनिंग करा चुके हैं अब लगभग 30 के करीब ऐसे टीचर्स या प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो ये तो ठीक नहीं है ये तो बिल्कुल गलत है एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार दिल्ली के बच्चे दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं एलजी साहब क्यों रोक एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात से कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों की बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते हैं।